हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है फ्रेंड्स, ये मैंने जो मोटिवेशनल टॉक शुरू किया है उसका ये थर्ड लेसन है। तो आज के इस लेसन में मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक इशू पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ SMS आए थे, कुछ ईमेल्स आए थे कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट स्किल के ऊपर अगर कुछ टिप्स दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे भी लगता है हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ इस तरह का कोई इजी या आसान टिप्स नहीं मिल पा रहा है जिससे उन्हें कॉन्फिडेंस मिले ताकि वो इंग्लिश में अच्छी तरह से बोल सकें। तो इस लेसन में फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ यूज़फुल टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे और आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा होगा और रिटेन इंग्लिश भी बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो लेसन को फ्रेंड्स आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो किसी ने आप लोग को नहीं बताया होगा, मैं उस सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा। तो पहली बात फ्रेंड्स, अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश में अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं, अपना स्पोकन इंग्लिश अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात है आपको इंग्लिश के जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स हैं, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे तो आप किस जगह पे कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है उसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, वो अपना जो वोकैबुलरी है उसे आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए क्या है, मुझे नए नए वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। किस तरह से सीखेंगे आप डेली फ्रेंड्स 2 नए वर्ड्स इंग्लिश के डिक्शनरी से आप सीखें, सिर्फ 2 वर्ड्स। आपको ज़्यादा नहीं सीखना है, 24 घंटे में आप 5 मिनट लगेगा आपको, 5 मिनट आप निकाल के आप कोई 2 नया वर्ड जो आप नहीं जानते हैं उसे आप डिक्शनरी से ढूंढें और उसे एक नोटबुक में लिख डालें और उस 2 वर्ड्स का आप मीनिंग जान लें। इसी तरह से आप हर एक दिन 2 वर्ड्स सीखें तो क्या होगा, एक महीने में आप 60 नए वर्ड्स सीख पाएंगे, ठीक है। 2 महीने में 120 नए वर्ड्स, 3 महीने में 180, और एक साल में, अगर एक साल आपने इसे मतलब इस तरह से आपने अगर सीखना शुरू किया तो एक साल में 365 × 2 मतलब 730 वर्ड्स, 730 नए वर्ड्स आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स को सीखने के बाद, जानने के बाद, आपको इसे अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल भी करना है फ्रेंड्स, ठीक है। जो जो वर्ड्स आपने सीखा है आपको कोशिश करना है कि जब आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, अपने रिलेटिव के साथ बात कर रहे हैं, तो इन जो वर्ड्स आपने सीखा है इन वर्ड्स को आप इस्तेमाल कीजिए। 2 तरह के वोकैबुलरी होते हैं फ्रेंड्स, एक एक्टिव वोकैबुलरी, एक पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव वोकैबुलरी वो होता है जो वर्ड्स आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं उसे एक्टिव वोकैबुलरी बोला जाता है, और पैसिव वोकैबुलरी मतलब आपको उन वर्ड्स का माने पता है, आपको मीनिंग पता है, लेकिन आप उन वर्ड्स को आप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको करना है जो पैसिव वोकैबुलरी में आपका जो वर्ड्स है उसे आपको एक्टिव वोकैबुलरी में लाना है और उसे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, ठीक है, इंग्लिश में इसे अनबिलीवेबल बोलते हैं। तो आप अनबिलीवेबल जानते हैं, आप इसे इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अनबिलीवेबल का और एक वर्ड क्या है, इनक्रेडिबल, ये भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। तो हो सकता है इनक्रेडिबल आप माने जानते हैं लेकिन आप इसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पैसिव वोकैबुलरी में है, ठीक है। अनबिलीवेबल एक्टिव वोकैबुलरी में है, और क्योंकि आप रेगुलर यूज़ करते हैं, और इनक्रेडिबल जो एक ही माने है, अनबिलीवेबल माने है, आप इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि पैसिव वोकैबुलरी में। तो पैसिव वोकैबुलरी से आपको निकाल के एक्टिव वोकैबुलरी में लाना है, ठीक है। तो पहला तो फ्रेंड्स ये सीक्रेट है, आपको डेली अगर 2 वर्ड्स आप सीखते हैं तो लॉन्ग रन में आप एक आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप इन वर्ड्स को आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड, आपको इंग्लिश जितने भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, जितने भी आप किताब से आप थियोरिटिकल आपको नॉलेज हो जाए, जितने भी आप कोचिंग क्लास कर लीजिए, लेकिन जब तक आप इंग्लिश में बोलेंगे नहीं फ्रेंड्स, तब तक आपका इंग्लिश कभी नहीं इम्प्रूव होगा। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप साइकिल सीखना चाहते हैं तो जितने भी आप किताब पढ़ लें साइकिल के ऊपर, जितने भी आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाए, थ्योरी आप पूरा पढ़ लें कि यहाँ यहाँ चक्का होता है, यहाँ ब्रेक होता है, यहाँ होता है, लेकिन जब तक आप साइकिल बैठ के हैंडल पकड़ के पैडल मारेंगे नहीं, तब तक आप साइकिल कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे किसी को पायलट बनना है तो जब तक वो कॉकपिट में बैठेगा नहीं फ्रेंड्स, वो कभी पायलट नहीं बन पाएगा। तो इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा फ्रेंड्स। शुरुआत में गलत हो, ग्रामेटिकल आप गलत बोलें,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बोलना है, बोलने से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कुछ फ्रेंड्स के साथ एक एग्रीमेंट कर लीजिए, कुछ दोस्तों के साथ जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि आप मतलब एक महीने दो महीने जितना एज फार एज पॉसिबल आप इंग्लिश में बातें करेंगे, ठीक है। अपने फैमिली के अंदर ही अगर कोई आपके भाई बहन है उनसे भी आप मतलब एक दो घंटे इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए। इस तरह से आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप मिरर के सामने खड़े होकर कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, समझ लीजिए क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट के ऊपर आप 5 मिनट या 3-4 मिनट बोलने की कोशिश कीजिए टोटली इन इंग्लिश, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आपको क्या शब्द नहीं मिल रहे हैं, या आपको मतलब कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है क्या बोलना है, या फिर आपको कंटेंट मालूम लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, या फिर आप हड़बड़ा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है आप उसे नोट डाउन कीजिए, फिर उस प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना है, ठीक है। अगर कंटेंट में नहीं है तो आप क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पढ़िए, अगर नॉलेज होगा तब आप बोल पाएंगे। अगर आपको वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो मैंने सीक्रेट बताया आपको डेली 2 वर्ड्स आपको सीखना है डिक्शनरी से, इस तरह से अपना वोकैबुलरी बढ़ाना है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में बोलना है अपने फ्रेंड लोग के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, ये सेकेंड। थर्ड, आप डेली एटलीस्ट एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए फ्रेंड्स, कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, एक या दो, उसे आप 15 मिनट बहुत ही लाउडली पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका प्रोनंसिएशन वो अच्छा होगा, और सेकेंडली अगर पढ़ते पढ़ते कोई आपको ऐसा वर्ड मिला जो आपको माने मालूम नहीं है, मीनिंग मालूम नहीं है, उसे आप जॉट डाउन कर लीजिए डिक्शनरी से, मीनिंग लेके उसे जान लीजिए। तो इस तरह से भी आप डेली न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो आपका तो पहले तो नॉलेज बढ़ेगा ही, जनरल नॉलेज बढ़ेगा, आपका प्रोनंसिएशन अच्छा होगा, और जो जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं जिसका माने आपको पता नहीं है उससे आप लिख डालिए और उसका मीनिंग भी ले लीजिए। ऐसा 2 वर्ड्स भी अगर आप डेली निकालते हैं तो 4 वर्ड्स, आप डिक्शनरी से 2 वर्ड सीख रहे हैं, न्यूज़पेपर से 2 वर्ड सीख रहे हैं, तो 4 वर्ड्स आप डेली सीख रहे हैं, महीने में आप 4 × 30 = 120 न्यू वर्ड सीख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हुआ फ्रेंड्स थर्ड टिप, आपको न्यूज़पेपर एक इंग्लिश का डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप काम कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में कोई भी सोचिए आपका प्रोग्राम हो रहा है, मतलब स्कूल में सोचिए कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा है, कोई स्पीच कंपटीशन हो रहा है, तो आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। मैं कहता हूँ शुरुआत में आप गलत बोलेंगे, लोग हंसेंगे, हंसने दीजिए, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इम्प्रूवमेंट होगा, आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आपको आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको लॉन्ग रन का सोचना है, अगर एक मिनट कोई हंस दिया तो हंस दिया, सेकेंड में आप जब बोलेंगे, सेकेंड जब स्पीच आपका होगा, सेकेंड जब प्रोग्राम होगा, आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया है, सेकेंड वाला आपका देखिए बहुत अच्छा स्पीच आप दे पाएंगे, इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो शुरुआत में आपको एक पहला स्टेप लेना ही है, कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप आप लेना जरूरी है, अगर फर्स्ट स्टेप आप नहीं ले पाएंगे तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि कोई भी आपका डिबेट कॉम्पिटिशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो इंग्लिश सॉरी यहाँ पे स्कूल में कॉलेज में, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक ये डर आपके दिमाग से नहीं जाएगा तब तक लेकिन आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये 4 टिप्स मैंने आपको दिए हैं, मैं आपको नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें कुछ और मैं टिप्स दूंगा, तब तक के लिए अब भाई अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि फ्यूचर में आपको लेसन मिलता रहे, ठीक है, बाय।